नूरपुर में हुए बस हादसे के बाद सोलन जिला प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग को लेकर स्कूल की वैनों पर सख्ती करने के बाद जैसे वैन चालकों में हड़कंप सा मच गया है और इस सख्ती के बाद आज स्कूल वैन चालकों ने अचानक वैन चलाने बंद कर दी, जिसके चलते बच्चों के अभिभावकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो बच्चे वैन में आते थे आज उनके परिजनों को खुद ही बच्चों को स्कूल लेकर आना पड़ा, जिस वजह से स्कूलों के आगे भारी जाम देखने को मिला। वैन चालकों की मांग है कि उनकी इस समस्या का प्रशासन कोई हल निकाले ताकि वो स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय चला सके। वैन चालक संघ के अध्यक्ष इकबाल मलिक का कहना है कि वो प्रशासन से 8 सीटर परमिट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल 5 सीटर गाड़ी का ही परमिट दिया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि वैन यूनियन ने निर्णय लिया है कि वह तब तक वैन नहीं चलाएंगे जब तक इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर आरटीओ सोलन द्वारा उन पर इतनी सख्ती कर दी गई है कि उनके चालान 20 से 30 हजार रुपए के किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सभी वैन चालक मानसिक रूप से परेशान है। हम कुल मिला के 150 लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो हमारे अभी 3-4 दिन पहले जो है चालान करने शुरू किए हैं, जैसे पहले भी होते थे तो हमें उससे कोई इतना नहीं था, चलो टाइम टू टाइम चालान होते हैं, लेकिन इस बार हद ये हो गई है कि 30 हजार 40 हजार के चालान किए जा रहे हैं और एक गाड़ी के दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। तो हम अभी साहब से मिलने गए थे, आरटीओ साहब से, वो कह रहे हैं मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो वो तो बात ठीक है, गाड़ियां ली है, हमें परमिट भी नहीं दिए जा रहे हैं। अगर कहते हैं तो 5 सीटर का परमिट ले लीजिए, 5 सीटर में अगर हम परमिट लेते हैं तो भी ओवरलोडिंग का चालान होता है। तो हमारा एक गुजारिश ये है सरकार से, प्रशासन से, कि हम 8 सीटर या 9, 7 सीटर या 8 सीटर जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके हमें परमिट दिए जाएं ताकि हम स्कूल का काम कर सकें, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। जहां तो एक तरफ सरकार कह रही है कि स्वरोजगार अपनाइए, अपना काम खुद ढूंढिए, आज क्या हो रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। कहीं कोई गाड़ी गिर जाती है, कोई बस गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं सारी गाज हम स्कूल वैन वालों के ऊपर गिरती है। हम अभी साहब से मिल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं मंत्री जी से पास गुहार करेंगे